हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये महिंद्रा का 265 है जिसका मैंने इंजन को ओवरहॉल किया है। इसको डिसमेंटल करने के बाद लेथ का सारा काम हो के आ गया है। करेंट टर्न हुआ है, हेड का काम हुआ है, कनेक्टिंग का काम हुआ है, टोटल काम हो के आ गया है। यह इंजन है, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं। ये इसका फायरिंग ऑर्डर 132। इसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद ये क्रैंक है, क्रैंक को अभी 80 तरीका से साफ कर लिए हैं। ये कैम है, ये इसका है, इसका पैकिंग। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहेगा। ये इसका लाइनर है जो IPL कंपनी का है। ये इसका पिस्टन है जो भी IPL कंपनी का है, और इसका रिंग भी IPL कंपनी का, इंडियन पिस्टन लिमिटेड। और इसका मेन सील जो है सुपर सील कंपनी का है, ये पिस्टन लॉक है। और ये इसका सिलिकॉन ट्यूब है पैकिंग को चिपकाने के लिए। और बल्ब सील, ये इसका रिंग है IPL का है। ये लाइनर वाला ओरिंग है जो महिंद्रा का जेन्युइन है। एक पीस का 96 रुपये के आसपास प्राइस है। हाय फ्रेंड, मैं अंकित अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ ये महिंद्रा का 265 इंजन है, इसको कैसे असेंबल किया जाता है। ये टोटल पार्ट्स है, ये सफाई चालू है, ये सफाई होके क्लियर हो गया है। ये इसका टाइमिंग प्लेट है जिसको इंजन में हम फिट करने वाले हैं। इसको फिट करने से पहले इसका अंडरग्राउंडिंग वाला पैकिंग आता है, वो पैकिंग डालेंगे सिलिकॉन ट्यूब लगा के। इसके बाद इस टाइप से ये फिट होगा। इसको हम निकाल लेते हैं। इसको इसके ऊपर सिलिकॉन ट्यूब और इसका पैकिंग लगा दिए हैं, तो इसके ऊपर प्लेट डाल दिए हैं। एक 13 नंबर का बॉल रहता है, यहाँ पे लॉक रहता है, लॉक पत्ती। एक पेचकस वाला स्क्रू आता है, एक 10 नंबर का बॉल रहता है। ये तीनों को हम प्लेट टाइट कर लेते हैं। और इसका मेन सियर है, ये मेन बैरिंग। एक बैरिंग में थ्रस्ट सेट आता है, ये मेन है। ये चापा में लगेगा, चापा वाला में हॉल नहीं होता है, जो इंजन में लगता है उसमें हॉल रहता है, आयल गैलरी वाला। ये इसका चापा है, सबको हम फिट कर लेते हैं, चापा में भी फिट कर लेते हैं। इसके बाद इसको लुब्रिकेंट करने के बाद क्रैंक को भी लुब्रिकेंट करेंगे, क्रैंक को भी फिट करेंगे। और इंजन बनाने से पहले सफाई बहुत अधिक ज़रूरी है, सफाई अच्छी तरह से होना ज़रूरी है। इसको मैंने वॉश कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब हम मेन बैरिंग को फिट करने वाले हैं इंजन ब्लॉक में। ये मेन वायरिंग इस प्रकार से लगेगा, आयल गैलरी वाला हॉल, आयल गैलरी वाला हॉल के सामने, और मेन सीआर में कट का निशान रहता है, मक्खी घाट। उसको घाट के सामने दे के प्रेस करेंगे इसको, ये कंप्लीट हो जाएगा। ये इस प्रकार से लगा के अच्छी तरह से बिठाना है, सबको कंप्लीट कर लिए हैं। अब लुब्रिकेंट करने के बाद इसमें हम क्रैंक डालेंगे, ये आयल लगा देते हैं, जो कि कैस्ट्रॉल का CRB प्लस आयल इसमें डालेंगे हम। बॉश कंपनी का फिल्टर लगाएंगे, आयल फिल्टर, मोबिल फिल्टर, दोनों फिल्टर बॉश कंपनी का लगाएंगे। ये लुब्रिकेंट अच्छी तरह से करने के बाद ये चापा में को भी लुब्रिकेंट करना है, इसमें भी मोबिल आयल लगाना है। इसके बाद क्रैंक पे भी मोबिल आयल लगा के इसमें डालेंगे। इसके बाद चापा डालेंगे सब। इसके बाद इसका 19 नंबर का बोल्ट आता है, टोटल बोल्ट टाइट करेंगे। ये इस प्रकार से लुब्रिकेंट करना ज़रूरी है, सबको हम लुब्रिकेंट कर देते हैं, क्योंकि
डीजल वाश के बाद वाटर वाश करने के बाद इसमें जंग लगने का डर रहता है, क्योंकि इंजन तुरंत कंप्लीट नहीं होता, टाइम लगता है। ये टाइम के साइड जाएगा, ये फ्लाईव्हील के साइड जाएगा। ये डाल दिए हैं जो बिल्कुल अच्छी तरह से फ्री हैं। ये एक नंबर, ये दो नंबर, यहाँ पे पंच किया हुआ है, ये तीन नंबर। टाइमिंग साइड से एक नंबर, बीच में दो नंबर, फ्लाईव्हील साइड तीन नंबर। ये मक्खी घाट, मक्खी घाट के सामने रहेगा। चापा में भी मक्खी का घाट रहता है, उस टाइप से लगाएंगे। उस पर भी पंच किया हुआ रहता है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर। ये एक नंबर है, मक्खी घाट, मक्खी घाट के सामने में देके एक नंबर के जगह पे डाल देना। इसके बाद दो नंबर, ये दो नंबर लगा चुके हैं। इसके बाद तीन नंबर, ये तीन नंबर लगा दिए हैं। इसके बाद चार नंबर वाला में थ्रस वाशर सेट ही रहता है मेन वायरिंग में। इसके बाद ये बॉल्ट है 19 नंबर का, ये 19 नंबर का बॉल्ट लगा रहे हैं। एक वाशर रहता है बॉल्ट में, प्लेन वाशर। सबको डाल के इसको पहले सटा लेते हैं, फिक्स करने के बाद इसको फुल टॉर्क के साथ टाइट करना है। ये टाइट करेंगे अब, अगर आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ये चापा को मैंने फुल टाइट कर लिया है, टोटल चापा टाइट हो चुका है, ये कंप्लीट हो चुका है। तो इसको हम पलटी मारेंगे। इसके बाद इसका कैंपस गाइड को ऑयल से लुब्रिकेंट करने के बाद इसमें डालेंगे। ये यहाँ पे लगेगा, 6 पीस लगता है, 100 पे 2। ये 6 पीस को हम डाल लेते हैं। ये इस प्रकार से लुब्रिकेंट करने के बाद ये हॉल में आसानी से चला जाता है और फ्री रहना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। और इसमें भी डालते हैं दोनों। ये दोनों को डाल देते हैं। ये डल चुका है, ये भी डल चुका है, ये भी डल चुका है। और कैमशाफ्ट वाले बूज को हम लुब्रिकेंट करते हैं ऑयल लगा के। इसके बाद कैमशाफ्ट डालेंगे, और कैमशाफ्ट और इंजन क्रैंकशाफ्ट का टाइमिंग बताते हैं आप लोगों को। इसमें भी पंच किया हुआ रहता है। अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसको हम लुब्रिकेंट करते हैं। इसके बाद लुब्रिकेंट करने के बाद डाल के 14 नंबर का दो बोल्ट आता है कैमशाफ्ट को टाइट करने के लिए। ये टाइट कर चुके हैं, और यहाँ पे एक पंच रहता है बिंदु, इसके सामने भी एक बिंदु रहता है, दोनों को मिला देना है। ये इसका कैमशाफ्ट का टाइमिंग हो गया। ये कैमशाफ्ट का टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। ये जो रहता है एडलर वायरिंग का टाइमिंग रहता है। इसके बाद आगे हम बताएंगे। और ये इसका लाइनर रबर है, इसको अच्छी तरह से साफ करने के बाद लाइनर रबर का गैलरी को ये रबर डाल देते हैं। इसके बाद हम लाइनर को प्रेस करेंगे। लाइनर लग चुका है, लाइनर वाला ओरिंग लग चुका है। ये लाइनर है एपीएल कंपनी का, ये इसको इसमें डालेंगे। हम अभी आप लोगों को दिखा देंगे। इस प्रकार से थोड़ा सा घुमा के प्ले प्रेस करेंगे, ये चला जाएगा आसानी से। इसको हम लगा लेते हैं पहले। इसके बाद तीनों लाइनर को मैंने कंप्लीट कर लिया है, ये लाइनर डल चुका है। आगे वीडियो पार्ट टू में देखें।